नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट पर संशय, विधानसभा की कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखा एक और पत्र, विधानसभा में बटन की व्यवस्था नहीं तो हाथ उठाकर हो वोटिंग। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बोले कमलनाथ, हर हाल में होगी हमारी जीत। कांग्रेस के 16 बागी विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी, इस्तीफा स्वीकार करने की अपील। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के 4 विधायकों का इस्तीफा, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। शनिवार को 14 कांग्रेस विधायक जयपुर किए गए हैं शिफ्ट। भीम आर्मी ने किया आजाद समाज पार्टी का ऐलान, चंद्रशेखर बोले कांशीराम जी के मिशन को करूंगा पूरा, ना बिकने वाली पार्टी बनेगी एएसपी। और कोरोना पर सार्क देशों की अहम बैठक, पीएम मोदी ने सार्क देशों को दिया 74 करोड़ के फंड का ऑफर। बैठक में पाकिस्तान ने छेड़ा कश्मीर का राग। मध्य प्रदेश में सोमवार को फ्लोर टेस्ट कराने पर संशय है। विधानसभा की ओर से जो कार्यसूची जारी की गई है उसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र ही नहीं है। राज्यपाल लालजी टंडन ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने को कहा था। वहीं इसी बीच राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक और पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि विधानसभा में बटन की व्यवस्था नहीं है तो हाथ उठाकर वोटिंग कराई जाए। दरअसल प्रतिपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब है तो हाथ उठाकर वोटिंग कराई जा सकती है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर विधानसभा की कार्यसूची की है जिसमें फ्लोर टेस्ट का कहीं जिक्र नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर में राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा लिखा गया दूसरा पत्र है जो मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर बटन नहीं है तो हाथ उठाकर वोटिंग कराई जा सकती है फ्लोर टेस्ट के वक्त। तो दो यहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक विधानसभा की कार्यसूची की जिसमें कल फ्लोर टेस्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सीएम कमलनाथ ने बहुमत का भरोसा जताया। इस बैठक में विधायकों के अलावा उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने अनैतिक रूप से संकट पैदा किया है, लेकिन इसमें जीत कांग्रेस की ही होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को जयपुर भेजा था लेकिन उन्हें कैद में नहीं रखा गया था, लेकिन बीजेपी ने बेंगलुरु में रखे गए कांग्रेस विधायकों को कैद कर रखा है। इसके साथ ही सीएम कमलनाथ ने यह भी सवाल पूछा कि विधायकों को भोपाल क्यों नहीं लाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी का मूल चरित्र है लोकतंत्र की हत्या करना। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। उत्तराखंड की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की साजिश कामयाब नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। बैठक में ये हुआ है कि कल से सत्र शुरू होना है तो सत्र में बिजनेस पूरा हो, मध्य प्रदेश की जनता के लिए उससे संबंधित चर्चा हो, कंटिन्यू चले उस पर चर्चा हो, बिजनेस हो और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को जो योजनाएं मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए और सर्वधारा वर्ग का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इससे संबंधित चर्चा हुई है। फ्लोर टेस्ट को लेकर जब जैसा जो समय आएगा हाउस में उसी समय देख लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट की हुई अपनी बात को कि भाई हमारे विधायकों को वहाँ बंधक बनाकर रखा है, पहले उनको तो छुड़वाएं। और उसकी बात हमारी तरफ से भी ये हुआ है कि उन्होंने जो सिक्योरिटी मांगी है तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उनको पर्याप्त सिक्योरिटी देने के लिए हमने पुख्ते इंतजाम किए हैं। वही पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि संसद चल रही है, वहां कोरोना का डर नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में कोरोना का डर घुसाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए एक कोरोना नहीं डरोना हो गया है। डर की वजह से सरकार सत्र टालने के लिए मंत्री और विधायकों से बयान दिलवा रही है। संसद चल रही है तो वहां कोरोना का डर नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में कोरोना का डर घुसाया जा रहा है। ये करोना नहीं डरोना हो गया है, डरोना मध्य प्रदेश के लिए।
डर के मारे सरकार सत्र कैसे टले, मंत्री बयान दे रहे हैं, विधायक बयान दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पासे का कहना है कि कांग्रेस फ्लोर टेस्ट पास कर 10 साल तक सरकार में रहेगी। उन्होंने कहा कि जयपुर से लौटे विधायकों का कोरोना टेस्ट उनके स्वास्थ्य की चिंता के चलते हो रहा है। बेंगलुरु और गुरुग्राम के विधायकों का भी टेस्ट किया जाएगा। 16 विधायक बेंगलुरु से वापस बुलाए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई बार फ्लोर टेस्ट कर चुके और कर देंगे, लेकिन पहले विधायक तो आ जाए सभी की। वो अध्यक्ष जी का कार्य क्षेत्र है, माननीय अध्यक्ष जी के कार्य क्षेत्र जैसा वो निर्देश देंगे वैसा करेंगे। कांग्रेस सरकार चल रही है 5 साल, क्यों नहीं चलेगी? 5 नहीं 10 साल चलेगी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के 16 विधायकों ने इस्तीफे को स्वीकार करने की मांग दोहराई है। 22 में से 6 विधायकों का इस्तीफा पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, जिसके बाद 16 विधायकों ने इस्तीफे की मांग दोहराई है। वहीं आज देर रात बीजेपी विधायकों के भोपाल पहुंचने की खबर है। इससे पहले बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मानेसर पहुंचकर बीजेपी विधायकों से मुलाकात की। मानेसर के होटल आईटीसी ग्रांड में बीजेपी के 106 विधायक ठहरे हुए हैं। इन विधायकों को देर रात भोपाल भेजा जाएगा, जहां वो सोमवार को होने वाले शक्ति परीक्षण में शिरकत करेंगे। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है और अगर गवर्नर से फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए हैं तो कराना ही पड़ेगा। कल फ्लोर टेस्ट है, विश्वास मत, सरकार विश्वास खो चुकी है, अल्पमत की सरकार है और इसका गिरना तय है। गवर्नर साहब के निर्देश है, उसका पालन सरकार को करना ही होगा। वहीं मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए मचे घमासान के बीच कमलनाथ कैबिनेट ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया है। बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों को जुलाई 2019 से 5% महंगाई भत्ता और 1 अप्रैल 2020 से नगद भुगतान किया जाएगा। आदिवासी नेता रामू टेकाम और राशिद सोहेल सिद्दकी को मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। मध्य प्रदेश रेत नियमों में संशोधन किया गया है। वहीं निविदा में 3 दिन की अवधि को 15 दिन किया गया है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि विधानसभा के कल से शुरू हो रहे सत्र के दौरान कोरोना का कितना भय है या इसको लेकर क्या कदम उठाने हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष पर ही निर्भर करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जयपुर, बेंगलुरु और हरियाणा से जो भी विधायक आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। कोरोना के चलते विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि ये निर्णय कैबिनेट नहीं लेती, विधानसभा में ही इसको लेकर चर्चा की जाएगी। 5% कर्मचारियों को डीए दिया गया और जुलाई 2019 से। इसके अलावा 2 पीएससी के सदस्य बनाए हैं, जो माइनिंग की नीति उसमें कुछ संशोधन किए गए। मध्य प्रदेश में भी ये पूरा इलाज मिल सके, इससे बचा जा सके। मास्क लगाइए, सैनिटाइज हो जाइए, ये सब हर टेलीफोन पे आवाज आ रही है। राष्ट्रपति जी ने अपने अवार्ड, जो पद्म अवार्ड थे, वो कैंसिल कर दिए। राज्यपाल जी ने कैंसिल कर दिया बरकतुल्ला का कार्यक्रम, यूनिवर्सिटी का। ये सब चीज़ें, इस पर बहस हुई है, इस पर हुआ है। और हमारे एक मंत्री ने ये भी कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं विधायक, इनका भी टेस्ट हो। वहीं मध्य प्रदेश के सियासी संकट के बीच गुजरात में भी कांग्रेस को करारा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के राज्य विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफा सौंपने की पुष्टि की है। इस्तीफा देने वाले कांग्रेसी विधायकों में जेबी काकड़िया, प्रवीण मारू, प्रद्युमन सिंह जडेजा और सोमा भाई पटेल शामिल हैं। गुजरात कांग्रेस अपने बाकी विधायकों को बचाने में जुट गई है। विधायकों को टूट से बचाने के लिए जयपुर शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होना है। बीजेपी ने अभय भारद्वाज, रामीला बारा और नरहरी अमीन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, बीजेपी के 103 विधायक हैं। बीजेपी राज्यसभा की 2 सीटें आसानी से जीत सकती है, लेकिन बीजेपी क्रॉस वोटिंग के जरिए 3री सीट पर भी नजर गड़ाए हुए है, इसलिए उसने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस की विधानसभा में 73 सीटें हैं। कांग्रेस को दोनों उम्मीदवारों को जीतने के लिए 74 वोटों की जरूरत है।
भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो और एनसीपी की एक सीट है, वहीं एक निर्दलीय विधायक भी है, लेकिन कांग्रेस चार कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे से संख्या घटकर 69 हो गई है। ऐसे में दूसरी सीट फंसती हुई नजर आ रही है। चार माननीय धारासभ्यश्रीओं राजीनामा आया है मारी पासे, चारे धारासभ्यों अलग अलग समय मारी पासे रूबरू में आया, राजीनामु रूबरू में सुप्रत कर्यु छे, एमने राजीनामु वाँची पण संभळाव्यु छे। कांग्रेस के जो एमएलए होते उनको तोड़ के भारतीय जनता पार्टी और वोटिंग करवाता कर शुरू कर देते हैं। लास्ट दो महीने से ये लोग ये प्रयत्न करने में पड़े हुए हैं और कैसे भी करके तोड़ जोड़ करके संपत्ति प्रलोभन सत्ता का लालच दिखा के कांग्रेस वालों को तोड़ो और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली भेज दो। ये उसके अलावा कुछ भी नहीं करते, इसलिए उनसे डर के मारे नहीं, लेकिन वो संपत्ति वो सत्ता वो प्रलोभन वो पुलिस दमन पुलिस के साथ मिलके वो केस करवाते हैं, उनसे डरे हुए नहीं, लेकिन उनसे दूर रहने के लिए हम जयपुर जा रहे हैं और इलेक्शन के पहले आ जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला रिहाई के बाद फिर से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है। फारूक ने कहा कि बाकी बचे नजरबंद नेताओं को बाहर निकालने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को खत्म कर दिया था। फारूक अब्दुल्ला को 5 अगस्त 2019 से हाउस अरेस्ट में रखा गया था, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ पिछले साल 15 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया था। इसके बाद उन्हें 3 महीने के लिए नजरबंद किया गया। वहीं 3 महीने की मियाद 15 दिसंबर को खत्म होने वाली थी। उससे ठीक 2 दिन पहले यानी 13 दिसंबर को उनकी नजरबंदी 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं समेत गृह मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद अल्ताफ बुखारी ने बताया कि गृह मंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के सियासी हालात पर चर्चा हुई, नजरबंद नेताओं की रिहाई के मुद्दे पर भी बात की गई। अल्ताफ बुखारी ने बताया कि गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि बाकी बचे नजरबंद नेताओं को भी जल्द रिहा किया जाएगा। पूरे गैमेट जो चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर को लेके उस पर बात हुई और मुझे यकीन है कि हम जाके लोगों में जब ये मैसेज दे देंगे कि हाँ साहब कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो रही है, वी हैव बीन एश्योर्ड बाय द होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब आल्सो, वी हैव बीन एश्योर्ड स्टेटहुड विल बी रिटर्न बैक, वी हैव बीन एश्योर्ड कि डोमिसाइल लॉ इमीडिएटली पास होगा और जम्मू कश्मीर बैंक की ऑटोनॉमी बहाल होगी, जो डेली वेजर्स के मसले हल हो जाएंगे। एक प्रोसेस है, चलती जाएगी, क्योंकि लोगों की परेशानियाँ जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जिसे लोग गुजर रहे हैं, टूरिज्म की बहाली के बारे में, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जब बात होती है, हमने कहा पुरानी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, तो पूरा एक सिलसिला है और ये चालू रहेगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी रखा है। नोएडा के सेक्टर 70 स्थित बसई गांव में उन्होंने संविधान की शपथ लेकर आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी के गठन की घोषणा की। पार्टी का झंडा नीले रंग का होगा। नई पार्टी का ऐलान करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि आज हमारे रहबर कांशीराम का जन्मदिन है। इस ऐतिहासिक दिन हमने अपनी पार्टी की घोषणा की है। ये सिर्फ पार्टी नहीं, एक मिशन है। मैं अपने महापुरुषों के मिशन को पूरा करना चाहता हूं। ना बिकने वाला नेता और ना बिकने वाला समाज तैयार करना है मुझे। इस लड़ाई में मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो ये दिन में आज अमर करने और पूरी दुनिया के याद रहेगा जब एएसपी का झंडा दिल्ली की गली में लहराएगा। मैं वादा करता हूं आपको, जब जब पार्टी का स्थापना दिवस बनेगा तो माननीय कांशीराम साहब को याद किया जाएगा और उनके आदर्शों को हम उनके दिलों में आदर्श बात करने का प्रयास करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए सुराज एक्सप्रेस। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better.
Admissions open. Call 70241-44981 or visit www.srku.edu.in. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acres ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। दुनिया भर में कोरोना वायरस पांव पसार चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर सार्क देशों की बैठक हुई है। पीएम मोदी के अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली, भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस चर्चा में शामिल हुए। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व उनके स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा ने किया। कोरोना पर सार्क देशों की इस बैठक को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया है, ऐसे में विकासशील देशों के सामने ज्यादा चुनौती है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से घबराने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है, सबको मिलकर कोरोना से लड़ना होगा, सार्क देशों को भी सावधानी बरतनी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत में कोरोना वायरस पर जागरूकता अभियान चल रहा है। 1400 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को अलग अलग देशों से लाया गया है, दवाइयों और मेडिकल सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सो फार अवर सार्क रीजन हैज लिस्टेड फ्यूअर देन 150, but we need to remain vigilant. Therefore, we must all prepare together. We must all act together, and we must all succeed together. Prepare, but do not panic. Has been our guiding mantra. I propose we create a COVID-19 emergency fund. This could be based on voluntary contributions from all of us. India can start with an initial offer of $10 million for this fund. Any of us can use the fund to meet the cost of immediate actions. SAARC यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। कोरोना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में बोलते हुए मालदीव्स के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली ने कहा कि संकट के समय में हम साथ आते हैं, कोई देश इस वायरस से अकेले नहीं निपट सकता। वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि भारत सार्क और शंघाई सहयोग संगठन देशों का सदस्य है, कोरोना को हराने की इस लड़ाई में भारत की भूमिका बेहद अहम है। साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकना बड़ी चुनौती है, वायरस को फैलने से रोकने के लिए वीजा कैंसिल किए गए हैं। No country on its own can succeed in combating the virus. It requires a shared response at an unprecedented scale. Because of these reasons, our economy has taken a severe blow due to the coronavirus.
particularly in tourism. Our tourism industry was just recovering after last year's April 21st terrorist attack. Therefore, I strongly recommend the SAARC leaders to formulate a mechanism to assist our economies to tide over this very difficult period. वहीं कोरोना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई चर्चा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी वायरस की समस्या से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया. I have some proposals that all SAARC countries need to cooperate and collaborate closely to fight this pandemic. We need to force collaboration through our collective capacity, expertise and resources. We are ready to share our capacity and expertise as well as the best practice with the SAARC countries, including providing logistic support if required. कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सार्क देशों ने अहम बैठक की, जिसमें सार्क सदस्य देशों ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अपने अपने विचार रखे. लेकिन पाकिस्तान यहां पर भी बाज नहीं आया. पाकिस्तान ने कोरोना पर सार्क की बैठक में कश्मीर राग छेड़ दिया. We hope that during this COVID emergency, our member countries will provide access to emergency assistance to the all our regions. In this regard, let me say that it is a matter of concern that COVID-19 has been reported from Indian occupied Jammu and Kashmir. And in view of the health emergency, it is imperative that all lockdown in the disputed territory must be lifted immediately. Opening up communications and movement would facilitate dissemination of information, allow distribution of medical supplies and enable containment and relief efforts to proceed unimpeded. वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को लेकर पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देशों की बैठक का आरजेडी ने स्वागत किया है. पार्टी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि ये एक सकारात्मक पहल है. हालांकि कोरोना के लिए सार्क देशों के लिए फंड देने की पहल पर मनोज झा ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ भी पीएम मोदी को बैठक करनी चाहिए. मैं इसे बहुत एक सकारात्मक पहल की ओर के रूप में देख रहा हूं. उन्होंने इमरजेंसी फंड का भी जिक्र किया, जिसमें 10 मिलियन डॉलर आई थिंक उन्होंने बताया कि हम भारत की ओर से ये शुरुआती ये है कंट्रीब्यूशन है, और प्रिपेयर एंड डोंट पैनिक ये उनका संदेश था. लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ऐसी ही पहल राज्यों के साथ भी बैठ करके करें, मुख्यमंत्रियों के साथ. कई राज्यों में डॉक्टर्स तक को, पैरामेडिक को बेसिक चीजें अवेलेबल नहीं है, मास्क वगैरह. मैं समझता हूं एक उसी तरह के फंड की भी यहां जरूरत है, और यहां भी ये संदेश लगातार देने की जरूरत है अपने मुल्क में, प्रिपेयर एंड डोंट पैनिक, और सब कुछ प्रोवाइड होना चाहिए. वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस. RKDF University, a world-class university, जहां students को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो job creators बन सके, ना कि सिर्फ job seekers. So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1-800-270-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का एमपी में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज. या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590. भारत में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसारता जा रहा है. कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 111 पहुंच चुका है. देश के 13 राज्यों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 33 मामले कंफर्म हैं. वहीं एहतियातन 21 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद है.
केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना वायरस को लेकर सतर्क हैं। कई जगहों पर कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए धारा 144 भी लगा दी गई है। लखनऊ के सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, क्लब, डिस्को और जिम बंद किए गए हैं। गाजियाबाद में भी जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरतते हुए सोमवार यानी 16 मार्च से 31 मार्च तक सभी मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। वही वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने विदेशी श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि बाहर से आने के 28 दिन तक वैष्णो देवी के दर्शन ना करें। बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस को लेकर सफाई अभियान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस के कारण गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं। साथ ही करतारपुर साहिब की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। करतारपुर साहिब की यात्रा पर ये रोक गृह मंत्रालय के अगले आदेश तक लगाई गई है। वहीं साथ ही भारत ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के खतरे के चलते एक आदेश जारी कर पाकिस्तान से लगी सीमा पर स्थित सभी जमीनी रास्तों को भी अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगे अधिकतर जमीनी रास्तों को भी बंद कर दिया है। हालांकि कुछ रास्ते लोगों के आवागमन के लिए खुले रहेंगे। इन रास्तों से आने जाने वाले लोगों की गहन मेडिकल जांच की जाएगी। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना के खतरे के चलते ये फैसला लिया गया है। वहीं भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़ा फैसला लिया है। कोच अटेंडेंट अब बोगी में यात्रियों को बेड रोल के साथ कंबल नहीं देगा। इस आदेश को तत्काल ही हर ट्रेन में लागू कर दिया गया है। एक ही कंबल को बार बार अलग अलग यात्रियों को दिए जाने के चलते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है। राजधानी एक्सप्रेस समेत रेलवे की तमाम प्रीमियम ट्रेनों और सामान्य ट्रेनों के एसी वाले बोगियों में यात्रियों को अब कंबल नहीं दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतने और जागरूकता की दिशा में अब रेलवे एसी कोचेस का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स रखेगा ताकि यात्रियों को बोगी में कंबल की आवश्यकता ना पड़े। वहीं इस दौरान कोच में तापमान अधिक होने से कोरोना वायरस के लिए प्रतिकूल तापमान बना रहेगा। हालांकि शुरुआती चरण में गिने चुने कंबल कोच अटेंडेंट रखेगा। अति आवश्यक या विशेष परिस्थिति में ही यात्रियों को कंबल दिया जाएगा, लेकिन ये भी व्यवस्था 4-5 दिनों के लिए होगी, जिसे आगे बंद कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने भी ट्रेनों के एसी कोच से कंबल और पर्दे हटाने का आदेश जारी किया है। निर्भया के दोषी फांसी से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कानूनी दावपेच के अलावा इमोशनल ब्लैकमेल पर भी उतर आए हैं। इस बार चारों दोषियों के परिवार वालों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। चिट्ठी भेजने वाले कुल 13 लोगों में मुकेश के परिवार के 2, पवन और विनय के परिवार के 4-4 और अक्षय के परिवार के 3 सदस्यों के नाम शामिल हैं। हालांकि इस चिट्ठी का कानूनन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानून में इच्छा मृत्यु का कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें, चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जानी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला सुराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।